மாதவ். मंदिर का पहला प्रसाद आपको जजमान। हमारा दूसरा मंदिर कैसा बन रहा है गोसाई जी? अति उत्तम प्रभु। अजी लोग तो अभी से मंदिर में दर्शन करने के लिए आने लगे, कहते हैं चलो बाप जी के मंदिर, चलो बाप जी के मंदिर। और मूर्तिकार ने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है। अच्छा? हाँ, कि है तो वो कृष्ण भगवान की, लेकिन सूरत बिल्कुल आप जैसी है। अपनी अपनी श्रद्धा है गोसाई जी, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वाह क्या बात है। और गोसाई जी किसी और चीज की कमी तो नहीं है? प्रभु 5 लाख की और आवश्यकता थी। हो जाएगा, हो जाएगा। सक्सेना बुरे जी, बजरंग से कह के सक्सेना की फैक्ट्री में हड़ताल करवा दो जी, और समझौते के वक्त 5 लाख रुपए मंदिर को दान में दिलवा दो। बिल्कुल। क्यों सक्सेना, फैक्ट्री में हड़ताल वगैरह होने का खतरा तो नहीं है? वाह क्या बात है। सब सुख चैन है आपकी दया से। सक्सेना इंडस्ट्रीज की ओर से आपके प्रतिष्ठान को 2 लाख रुपए भेंट। व्यापारी संघ की ओर से 5 लाख रुपए। जय राधा माधव। इस साल के धान के भाव मैंने तय कर दिए जगन भाई। बाप जी अगर भाव कुछ और बढ़ा देते तो। मूर्ख, हमारी हुकूमत करने का मूल मंत्र ये है कि भाव इतना बढ़ाओ कि दाल रोटी के चक्कर में लोगों को बगावत के बारे में सोचने तक की फुर्सत न मिले, लेकिन इतना भी मत बढ़ा दो कि लोग बगावत पर उतारू हो जाएं। क्यों डॉक्टर? बाप जी मैं आप ही के लिए आया था। बाप जी ये नए जज है, आपकी डोढ़ी पर माथा टेकने आए। बुरे। हाँ बाप जी, बाप जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? और मेरे जो कोट उतारने दो भाई। लेकिन मुझे गर्मी नहीं लग रही है। जज साहब इस शहर में ऐसा कोट पहनना मना है। मना है? लेकिन बाप जी भी तो ऐसा ही कोट पहनते हैं, इसीलिए तो मना है। जज साहब ये कोट तो हम जला लेंगे, आपके घर में जितने भी कोट हैं ऐसे आप खुद जला दीजिएगा। माधव। बाप जी की आज्ञा व आशीर्वाद से नारायणपुर के सरकारी ठेकों की नीलामी शुरू की जाती है। साला हरामी सारे शहर को अपने साले बाप की जागीर समझता है। ठेका साइकिल स्टैंड का जिसका सरकारी दाम कम से कम 25,000 रुपया मुकर्रर हुआ है, आमों खास से दरखास्त है कि बोली लगाए। जय बाप जी की। 26,000। 26,001, 26,002, 26,003। ये तो पहले ही तय है कि ठेका किसको मिलने वाला है, फिर भी सारा शहर बंद करवा के सबको अपनी हवेली पे बुलवा लेता। मगर बोले कौन जिसे मर रहे? अरे मर गए मारने वाले, इस बार तो हमने भी इंतजाम कर लिया है। आमोखास से दरखास्त है कि बड़बड़ कर बोली लगाए। 6 लाख, 6 लाख 1, 6 लाख 2, 6 लाख 8। मुंशी हिंदी भूल गया क्या? तूने नीलामी में बोली लगाने की इजाजत बाप जी से ली है? अरे पाप होगा तेरा, मैं क्यों उससे इजाजत लूं? ये तो सरकारी नीलामी है। यहाँ की सरकार हम हैं, इस हवेली का फरमान इस शहर का कानून है। अबे बाहर में क्या तेरी हवेली का फरमान? मिठा भीमा
हिम्मत? ये मेरा ही आदमी है, इसे मैंने ही पैरोल पर छुड़वाया है। आपने? मगर क्यों? बुरे, इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दिलों में मेरे खिलाफ बगावत भर कर आए हैं, मगर इस कैदी की मौत के बाद बगावत की जगह इनके दिलों में डर भर जाएगा। भय बिन होए न प्रीत। वाह क्या बात है। करने का अंजाम मुझे कोई नहीं मार सकता ना आगे से ना पीछे से ना दाएं से ना बाएं से सूरज, इस बाबूजी और उसके गुंडों के बारे में इतनी बातें सुन चुका हूं कि मैंने अपनी पोस्टिंग यहां पर करवा ली, मगर इस फाइल से ऐसा लगता नहीं कि पिछले कई महीनों से नारायणपुर में कोई अपराध हुआ हो। सर, नारायणपुर में बाबूजी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। यस इंस्पेक्टर रस्तोगी। रस्तोगी यो। अबे साला, तुम्हें एक हफ्ता हो गया ड्यूटी जॉइन करे हुए और अभी तक तुम बाबूजी की जोड़ी पर सलाम मानने नहीं गए। एक सरकारी मेडल क्या मिल गया साले, तुम्हारा दिमाग ही खराब। शट अप। और एक बात तुम अपने बाबूजी से कह देना कि मैं उनके बदमाशों को काफी सुन चुका हूँ। जिस दिन एक भी सुराग तुम्हारे बाबूजी के खिलाफ हमारे हाथ लग गया, उस दिन तुम्हारे बाबूजी के हाथ होंगे और हमारी हथकड़ियाँ। आदमी तो ईमानदार लगते हो। अबे अगर सुराग ही ढूंढ रहे हो तो सुनो, कैदी नंबर 340 का कत्ल बाबूजी ने करवाया था सारे शहर के सामने, लेकिन गवाही कोई नहीं देगा। अगर इस केस को लेकर तुम अदालत तक पहुँच सकते हो तो मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं। तुम सोच लो, मैं तुम्हें बाद में फिर फोन करूंगा। काहे लल्ला, धंधा कैसा चल रहा है? काहे का धंधा यार, दिन में सारे 5 बैरल बेचना मुश्किल हो गए हैं। जुए के अड्डे तो पहले ही बाबूजी के हाथ में चले गए हैं। दादा, अगर शराब के ठेके नहीं मिले ना तो भीख मांगनी पड़ेगी। फिकर काहे करता है लल्ला, ऐसी गोटी फिट करके आया हूं के सारे ठेके घासी राम के कंट्रोल में होंगे। बस तुम लोग अपने औजार को ढार लगा के रखो,
बाप जी की ऐसी की तैसी। ऐसा 340 की फाइल निकालो। लेकिन सर 340 का केस तो बंद हो चुका है। मुझे पढ़ना आता है, जो शब्दों में लिखा है वो भी, जो शब्दों में नहीं लिखा है वो भी। ठीक है सर। बाप जी, बाप जी, बाप जी। जय राधा माधव। आइए बाप जी। बहुत बहुत मुबारक हो रस्तोगी साहब। आज ही मुझे पता चला कि आपको बेस्ट इंस्पेक्टर का राष्ट्रपति पदक मिला है। ये लीजिए। जी शुक्रिया। लो बेटे। हमारे लोगों ने हमसे कहा कि आपको हवेली पर बुलाएं। हमने कहा नहीं, जिस हस्ती को इतना बड़ा सम्मान मिला है उसके पास हम खुद जाएंगे। जी आइए बैठिए। शुक्रिया। वैसे जब जब किसी भी व्यक्ति ने मेरे शहर का नाम ऊंचा किया है जी, मैंने उनकी जिंदगी बना दी। डॉक्टर देशमुख, जब उन्हें अमेरिका से बड़ी डिग्री मिली तो क्लिनिक खुलवाने के लिए मैंने उन्हें गवर्नमेंट से जमीन का टुकड़ा दिलवा दिया। अच्छा। राजन पटेल, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जज बने तो सरकारी खर्चे पर उनके लिए गंगापुर रोड पर एक बंगला बनवा दिया। अच्छा अच्छा। मगर रस्तोगी साहब, ये लोग इतने अच्छे और सज्जन लोग हैं कि आज भी हर रोज सुबह हवेली पर आकर मिलते जरूर हैं। जी हाँ, जरूर आते होंगे। आपके लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा, आप सोचकर बता दीजिए हवेली पर आकर। आज आपका असिस्टेंट कुछ कह रहा था कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है। पिछले हफ्ते आपने जिस कैदी को बेल पर छुड़वाया था उसका खून हो गया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे सजा याफ्ता मुजरिमों के लिए क्या इतने परेशान हो रहे हैं? अरे मर गया अच्छा हुआ, पिंड छूटा, धरती का बोझ कम हुआ। साला जिंदा रहता तो दो चार कत्ल और कर देता। इसीलिए आपने उसे काट कर अलग कर दिया। किस अधिकार से और क्यों? आदमी कोई पत्थर नहीं है कि एक बार जैसा बन गया जिंदगी भर वैसा ही बना रहेगा। जब एक डाकू वाल्मीकि बन सकता है, तब तक हर डाकू के लिए ये उम्मीद है कि वो भी वाल्मीकि बन सकता है। अगर फिलॉसफी की ही बात है तो मरता कौन है, आत्मा तो अमर है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा फौरन दूसरा जन्म ले लेती है। यूं गया यूं आया। तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं? 340 के कत्ल के जुर्म में अगर किसी को फांसी की सजा हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? और फिर आत्मा भी तो अमर है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, फौरन दूसरा जन्म ले लेगी। यूं गया यूं आया। ये तो आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपके बारे में सब जानता हूं। बापजी, आप यहां इसलिए आए हैं कि मैं 340 का केस खारिज कर दूं, बंद कर दूं। बापजी, आपने यहां पर आकर यह साबित कर दिया है कि आपके आस्तीन पर 340 का खून है, और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह मेरे पास मौजूद है बापजी, जो आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा, इसलिए कल आपके हाथों में हथकड़ी होगी। सबके सब जाओ और जाकर नरसिम्हा को ढूंढ कर लाओ। पूरा शहर छान मारो, कल सुबह तक मुझे नरसिम्हा यहां चाहिए। बाप जी ने नरसिम्हा को ड्यूटी पे बुलवाया है। नरसिम्हा, बाप जी ने कहा है कि नरसिम्हा को ढूंढ कर ड्यूटी पर भेजो। अभी लो जी, अभी चमेली की बात बंद कर देना। वाह, क्या बात, क्या बात है। हैया हो हैया, 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 हैया।
इसको भी इसी वक्त मरना था, क्या हुआ इसको? ये नशे में धुत है बाप जी। तो पानी डालो और खटाई चटाओ इसे। ये तो पानी है, बाप जी। एक मिनट छोड़ मुझे। कहाँ लगता है बाप? देखो चोट ना लग जाए इसे। आओ आओ। वाह क्या बात है। आ जाओ शाबाश। वाह क्या बात है। एक सीढ़ी और है। अरे तू, अरे चल अंदर। थैंक यू। क्या हुलिया बना रखा है, कैसा है रे तू? दुआ बाप जी। खाना खाएगा? हाँ, थोड़ी पीने को मिलेगी। हट, चल बैठ वहां बैठ। पीना 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 पी पी कर मर जाएगा एक दिन। जीना चाहता भी कौन है बाप जी, मरा नहीं इसलिए जिए जा रहा हूं, पिए जा रहा हूं। बाप जी थोड़ी सी उतारे के लिए तो दे दू ना। उफ, थोड़ी सी। तू नहीं सुधरेगा बुरे जी। और बोतल लाना जरा इसके लिए। जी बाप जी। तुझे बहुत जल्दी है मरने की। अपना क्या है बाप जी, आपकी रोटी खाते हैं, आपकी शराब पीते हैं और आपका हुक्म बिना सोचे समझे बजाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, अच्छा हो या बुरा, पाप हो या पुण्य, है ना? अरे रे, ये जैकेट तो मैं भूल ही गया था। लाओ इधर, ले पहन इसे। बंबई से लाए हैं सिर्फ तेरे लिए, बहुत प्यार से। बहुत फबेगी तुझ पर। नरसिम्हा, अरे सुनो, क्या बात क्या है, हैं? बाप जी, मैं आपके चाबुक सह लूंगा, तलवार से टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, हथकड़ी बेड़ी कुछ भी पहना दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे प्यार के इन धागों में बांधने की कोशिश मत करना। क्यों रे, क्या होता है इन धागों से? इनसे मोह बढ़ता है बाप जी, और मोह बढ़ता है तो जीने की हसरत पैदा होती है और फिर मौत देखते हुए बहुत तकलीफ होती है। मैं एक बार इस आग के दरिया से गुजर चुका हूं, दोबारा नहीं गुजरना चाहता। बुरे, आज ले ले, फिर कभी नहीं दूंगा। क्यों बुलाया था मुझे? परसों एक आदमी मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला है। तो इसके लिए मेरा नशा खराब करने की क्या जरूरत थी? आपने लठैत भेज के उसका सिर फोड़ डाल दे। इतना आसान होता तो तुझे क्यों बुलाता? ठीक है, तो पता क्या है? कुछ नहीं जानता, कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। इतने बड़े शहर में मैं उसे कैसे ढूंढूंगा, और वो भी दो दिन में। मेरे हर सवाल का जवाब तू है, तेरे सवाल का जवाब कुछ नहीं। कोई सुराग? भाजी गली पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर रस्तोगी है ना, वो उस आदमी की गवाही पर मुझ पे मुकदमा दायर करने वाला है। ठीक है, काम हो जाएगा। सलाम टेम्पो दादा। नमस्ते दादा। अरे निकाल लीजिए साहब। अरे निकाल। नाम देव। हेलो दादा। हटपटे आया दादा। क्या दादा? ये अपने एरिया में तेल वाला कौन रहता, बहुत फुदक रहा, इसको हैरान कर रहा बेचारे को, अपना आदमी है। चलो तेल निकाल के आते हैं। चाली किधर है तेरा? ये बाजू। ये बाजू चलो। चल ए?
कुछ आवाज आएगी वहां से? नहीं तो देखा डर गया तेल वाला। स्टॉप। अबे चाली खाली कर, नहीं तो शमशान घाट में अपने नाम की लकड़ी बुक कर ले, बाहर निकल। कौन है लोग? कौन है मेलिया? अभी अभी मरद का आंख लगा, उठाने को आ गया। तेरे मरद को बोलना टेम्पो दादा की शक्ल में उसकी मौत आ गई ली क्या? बाहर निकल सो। अबे जिंगिया, इधर दादागिरी किया ना तो पापलेट में जैसा मसाला भर के तेको तवे पे तल देगी। चल फट। दादा ये बाई बहुत खतरनाक लगती है। सच्ची? ए तेरे से कौन बात करेला यार? ए तेरे वाले बाहर निकल। अबे औरत के पेटी कोट में क्या छुपेला? बाहर निकल तेरी तुम। चल 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 चल, पूरी दुनिया जानती है टेम्पो दादा कभी औरत पे हाथ नहीं उठाता है। देख रख दिया है सुबह रात। अरे वाह, तो फिर दादागिरी काय को करता है? बांगड़ी पहन के मच्छी चील तेरी माँ के गोद में जा। ए मोटी, ज्यादा नन्नो नहीं क्यों? चल अंदर जा और उस सुकड़िया को बाहर भेज। अबे जाती बड़बड़ मत कर, ये झाड़ू है ना पूछ की तरह चिपका के मोर बना दूंगी। हाँ ये देखा, ये रामपुरी है समझे? ए हलकर, तू मेरे को चाकू दिखाता है? खैर तो साला हरामी, खैर मैं तेरे को दिखाती है। हाँ मेलिया, ये आगे नहीं बढ़ना है। चाकू दिखा दे। ये भाजी गली में दंगा कर रहा था, रिपोर्ट लिखो इसकी। अरे खिचड़े मत फाड़, हट के दुकान लगा। बाबजी का खास आदमी हूँ बाबजी। सलाम साहब। अंदर कर दूंगा तो तुम्हारा बाप तुमको याद आ जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है साहब, बाबजी मेरे को फिर छुड़ा लेंगे। पिछले हफ्ते तो पैरोल पे आया हूँ। कौन सी जेल से? अरे नारायणपुर जेल से। अगर आपको डाउट है तो अभी फोन मार के पूछ लो कैदी नंबर 340 को किसने छुड़ा है। चल जा रहे, क्या बोल के जा। आप पी के साहब जय राधा माधव। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये वो आदमी नहीं है। उस कैदी को तो हमने अपनी आंखों से उस नीलामी में कत्ल होते देखा था। तो फिर ये जरूर बाबजी की कोई चाल है। ठीक है, तुम जाओ, मैं इससे सच्चाई उगलवाता हूं।
ये है इंसान के दिमाग और बबर शेर की ताकत का मालिक, यही है असली नरसिम्हा। वाह क्या बात है, क्या बात है। ये ले ऐश कर। ले जाओ इसे खाने में चुनवा दो। सूरज नारायण सिंह, ये तो बाबूजी की, क्या हुआ बाबूजी को, क्या हुआ बाबूजी को। पुलिस को शक है कि भैरवनाथ नाम के खतरनाक मुजरिम ने पुरानी दुश्मनी की वजह से इंस्पेक्टर साहब की हत्या कर दी। बाप जी, इंस्पेक्टर विनोद रस्तोगी का बेटा रवि रस्तोगी, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है, बंबई शहर से पढ़ाई छोड़कर नारायणपुर आ चुका है और उसने हमारे दिल्ली कॉलेज में दाखला भी ले लिया है बाप जी, मगर उससे हमें कोई खतरा नहीं है। नजर रखो। Hey, we are going to make it big, okay? Take it from me. Okay, okay. Now we do the spin, okay? It goes 1, 2, 3, and... Oh, I'm sorry, guys. Hey, musicians, are you all ready? Yeah! Right! Hey, girls, get your bum straight. Come on, come on. Right. 1, 2, 3, 4! ऐसे नाचते हैं, ऐसे नाचते हैं, ये क्या कर रही हो तुम लोग, नाक कटवाओगी मेरी गैदरिंग में। अब देखो मैं करती हूं, कम ऑन। 1, 2, 3 जी? तुम्हें हमारे डांस में हंसी की कौन सी चीज नजर आई भाई? अब जाने भी दीजिए ना मैडम, आपको बुरा लग जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जरा हम भी तो सुने, हमारे डांस के बारे में आपकी कीमती राय क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे आप लोग नाच नहीं रहे बल्कि पांव से जमीन में चवन्नी ढूंढ रहे हो, या हो सकता है आप लोग नाच ठीक रही हो मगर फर्शी टेढ़ा हो। वैसे आप
अपने आप को माइकल जैक्सन के बाप समझते होंगे। माइकल जैक्सन के बाप को नाचना नहीं आता। तुमको आता है डांस मिस्टर धोती प्रसाद पायजामा चंद? यूं ही दो चार स्टेप, इसीलिए प्रैक्टिस करने आया था। तो फिर दिखाओ ना। ओके ओके, आज तो गया काम से। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। शोला भड़कने दो, भड़के जो तो इसको भड़कने दो, भड़के तो ये शोला भड़कने दो। राहों में बाहे हो बाहों में, ओ प्रभियो ना साथ चलो। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। कैसे हो ये, तीन कैसे हो,
जाने भी दो ना 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 तुमसे क्यों दोस्ती कर ले हम ये क्यों गलती कर ले तुमसे क्यों दोस्ती कर ले हम ये क्यों गलती कर ले हमसे तुम दोस्ती कर लो वो दिल भी कोई दिल है भला जिस दिल में किसी का प्यार ना हो एक रोज तो वो दिन आएगा जिस दिन तुम भी हमसे कहो हमसे तुम दोस्ती कर लो ये फासले दूरी कब तक अब आ भी जाओ बाहों में हम राह तुम्हारी तकते हैं कब से इन प्यार की राहों में हमसे तुम दोस्ती कर लो इन बातों में खो जाओगी ठाकुर साहब कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा ठाकुर साहब ये है मेरी बेटी मीनू नमस्ते जीती रहो बेटी कहाँ इतनी देर लगा दी बेटे आ तो गई हूँ बाबूजी लेकिन आने का मन नहीं कर रहा था इट वाज एक्साइटिंग वंडरफुल ओहो ऐसा कौन सा युवा देख लिया कॉलेज में एक नया लड़का आया है रवि नाम का हाय क्या गाता है क्या नाचता है वो अगर आप भी उसे नाचते हुए देखेंगे ना तो आप भी नाचने लगेंगे पीछे डांस सिखाने का वादा किया है बाबूजी अच्छा वैसे बेटे ये नाचना गाना मिरासियों का काम है तुम जैसी शहजादियों का नहीं तुम तो नारायणपुर शहर की उत्तराधिकारी हो तुम्हें तो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बनना है मगर बाबूजी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने तो कहा था कि पॉलिटिक्स सिर्फ चोर गुंडों और बदमाशों का काम क्या बात है बाबूजी अगर आपकी कृपा हो तो हमें ये रिश्ता मंजूर है ठाकुर साहब हमारी एक शर्त है आपका बेटा हमारा घर जमाई होगा क्योंकि मेरे बाद मीनू ही शहर की बागडोर संभालेगी जो हुकुम चलिए आपको सक्सेना की फैक्ट्री दिखाता हूँ और एक मोटा सा ऑर्डर दिलवाता हूँ सीमा तुम्हारा ये रोज सिर्ची के बेटे के साथ आना जाना ठीक नहीं है तुम तो जानती हो अनिल सक्सेना लड़कियों के मामले में कितना बदनाम है लेकिन मैं तो उनकी सेक्रेटरी हूँ ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना जरा संभाल के ओके बाय सी यू बाय अपना राजा यहाँ और जहाँ तक उस लाइसेंस का सवाल है वो मैं आपको मिनटों में दिलवा दूंगा गुड मॉर्निंग सर ये सक्सेना का कैबिन कौन सा है मिस्टर सक्सेना बोर्ड मीटिंग में बिजी हैं आप बैठिए थोड़ी देर इंतजार करना होगा हमें इंतजार करना पड़ेगा उस सक्सेना का जो पिछले 20 साल से हमारी ड्योढ़ी पर आकर धूमे लाता है मुझे आपके तेवर से सख्त एतराज है मैं अपने सामने अपने मालिक का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती अगर हम कहें कि तेरा मालिक इस भरे दफ्तर में भी सबके सामने हमारे तलवे चाट सकता है तो मैं आपको एक घटिया आदमी समझकर यहाँ से निकलवा दूंगी बदतमीज
तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया कि बड़ों से बात कैसे की जाती है? मैंने अपने बाप से ही सीखा है कि आप जैसे लोगों से कैसे बात की जाती है, मगर आप एक बाप होकर ये नहीं सीखे कि बेटियों से कैसे बात की जाती है। तेरी इस बदतमीजी के लिए हम तुझे भरे बाजार बिकवा सकते हैं। बेचने से पहले खरीद तो लीजिए। वैसे एक बार आपने इंस्पेक्टर विनोद रस्तोगी को भी खरीदने की कोशिश की थी, है ना? विनोद रस्तोगी? जी हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तो तू उस कुत्ते की औलाद है? कुत्ता तो वो था जो उस रात हमारे घर से दुम दबाकर भागा था। ठाकुर साहब, ये अपने आप को समझती क्या है? राम जाति, दो टके की नौकरानी, बुला साले सक्सेना को, ए सक्सेना! कैसी कैसी कुतियाएं पाल रखी हैं हमारी तौहीन करवाने के लिए। अरे बाप जी, आप आपने को तकलीफ की, मुझे बुला लिया। वो सब बाद में, पहले इस लौंडिया से कहो मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगे। इसने सबके सामने हमें जलील किया है। तब तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए अनीता। मैंने इन्हें इज्जत से बैठने को कहा तो जलील किया, मैंने इन्हें इंतजार करने को कहा तो क्या जलील किया, मैंने इनसे कहा कि आप बोर्ड मीटिंग में बिजी हैं तो क्या जलील किया, और इन्होंने इन्होंने आपको अपनी देवड़ी का कुत्ता कहा तो आपका रुतबा बढ़ाया, मुझे भरे बाजार में बिकवाने की धमकी दी तो क्या मेरी इज्जत की, मुझे बदसात कुत्ते की औलाद लौंडिया और पता नहीं क्या क्या कहा तो क्या मेरी तारीफ की। सक्सेना, अगर इस लड़की ने माफी नहीं मांगी तो तुम भीख मांगने लायक भी नहीं रहोगे। बेटी प्लीज, आखिर मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ। आप मेरे बाप के बराबर होते तो ये सज्जन इस वक्त यहाँ नहीं, कूड़े के डब्बे में पड़े होते। अनीता, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है कि नहीं? मेरे बाप ने अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, कम से कम अपनी नौकरी तो दांव पे लगा सकती हूँ। मैं जा रही हूँ सर, इस्तीफा कल भिजवा दो। मुझे इस्तीफा नहीं, माफी चाहिए। अनीता सुनो बेटी, माना कि तुम्हें अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगाने का पूरा हक है, फिर भी इतना याद रखो कि इस कारखाने से सिर्फ तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं, हजारों चूल्हे जलते हैं, और अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो सिर्फ तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं, वे हजारों चूल्हे भी ठंडे हो जाएंगे। जानती नहीं बापजी ने किस तरह लक्ष्मी मिल को बर्बाद कर दिया, गुप्ता केमिकल्स, जेटली इंजीनियरिंग और न जाने कितनी ही मिले खंडहर हो गई। देखो बेटी, एक आत्मसम्मान की कीमत एक जिंदगी तो हो सकती है, हजारों जिंदगियां नहीं। आप शायद ठीक कह रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए सर, आपको पहचानने में गलती हो गई। अरे सीमा बिटिया, दरवाजा खोल दे बेटी, दरवाजा खोल बिटिया, अपने बबुआ पे तरस खाओ। ये बुढ़ा गला क्यों फाड़ रहा है? अरे बादशाह, ये लकड़े वाले की लौंडी है ना, अपने आप को अंदर बंद करके ठस गए ली, दरवाजा नहीं खोल रही ली, उसके बाप को देख कैसा झोल खा रहे ले। अरे भैया, हम तुम लोग के परलोक सुधारे हैं कथा सुना सुना के, अरे कोई हमारी लोग तो सुधारो रे भैया, ऊपर वाले, अरे पंडित के आशीर्वाद लागी। अरे भैया बचाओ कोई बिटिया का। अबे मुन्ना, क्या ढूंढ रहा है? मुझे पेड़ पे चढ़ना, पेड़ पे। ए बाबा, ते झेटली में ऊपर किधर जा रहा है? अरे शोले में धर्मेंद्र ने किया ना वही नाटक रिपीट करेला ये। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। हमार बिटिया की जान इधर आपस में फंसी है और इस शराबी को आम तोड़े की पड़ी है।
भाई। पिताजी, मैं अनिल सक्सेना के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, लेकिन वो मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हैं, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। आपकी सीमा। क्या बदतमीजी है ये? किसे भेजा तुमने? चपरासी, चपरासी। क्या बात है भाई? तुझे शादी का न्योता देने आया हूं। जिस हरामजादे की शादी का कार्ड है ये, पढ़कर तो देख। भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। बाबा बहुत अच्छा लिखा है, आगे पढ़। अनिल, ये तो मेरा नाम है, क्या मजाक है? मजाक तो वो था जो तू कर रहा था, अब तो शादी होगी। और अगर तू सही दिन, सोमवार, सही वक्त पर 10 बजे सही जगह नहीं पहुंचा, श्री मंदिर घंटा करके सामने, तो याद रखना हमारे यहाँ दूल्हे को उठाकर ले जाने की भी रस्म होती है। उठाकर? क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहता, समझे? मर गए। अरे झक मारता हूँ, आएगा वो खुद की शादी में। सुनो, मैं नहीं चाहता कि शादी जबरदस्ती से करवाई जाए, क्योंकि जोर जबरदस्ती से करवाई गई बात ज्यादा दिन तक टिकती नहीं। मंजी? कोई ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि वो खुद हमारी सीमा के पास आकर कहे कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। अरे कहाँ शैतान के घर में सत्यनारायण की पूजा रखने की बात कर रहा है यार ये। इस शैतान के घर में सत्यनारायण की पूजा जरूर रखवाऊंगा। अबे ओ सक्सेना की औलाद, बाहर निकल, कहाँ छुप कर बैठा है? बाप रे बाप, भागो। अरे रुको 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 रुको, ए भाई मेरी मदद करो, एक गुंडा नंगी तलवार लेके मेरे पीछे पड़ा है, जल्दी से किसी पुलिस स्टेशन ले चलो। हाँ बैठो बैठो बैठो। कहाँ बैठा? हाँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ हाँ बैठो। अरे चलो 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 चलो। क्यों मियाँ, कोई छुपी ओगरी का चक्कर तो नहीं? आपको कैसे पता चला? अरे तेरे जैसे हंडसों आदमी के तो चक्कर चलते रहते होंगे। नहीं अब आपसे क्या छुपा रहा बड़े भाई, मैं जवान हूँ, वो जवान थी, जवानी दीवानी हो गई, अब साली गले पड़ रही है। हाँ तो शादी कर लेना यार। किस किस से शादी करूंगा मेरे भाई? अरे पुलिस, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, मगर आप लोग हो कौन भाई? आप इन्हें नहीं जानते? यह है डॉक्टर नारायण सिन्हा, जो 16 साल से परिवार नियोजन कार्यक्रम की महान सेवा कर रहे, इसी वजह से दुनिया इन्हें डॉक्टर नसबंदी नारायण सिन्हा के नाम से जानती है। और अब ये नसबंदी के जागतिक उच्चांक से सिर्फ 4 नंबर पीछे, उसके लिए इन्होंने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ड्यूटी ड्यूटी है, और तुम मेरे 99,996 पेशेंट हो। मुबारक हो। मुबारक।
मेरी नसबंदी कर दी आप लोगों ने, क्यों, किसने कहा था? अरे मैंने कहा था यार, मैंने सोचा तेरा हमेशा का झंझटीज खत्म कर दूं। अब जा, जितना चाहे हंस कर, अब तेरे को किसी लड़की से कोई खतरा नहीं और कोई लड़की तेरे पे इल्जाम भी नहीं लगा सकती। क्यों, मानता है ना गुरु? क्या मैं कभी पाप नहीं बन सकता? मैं कभी कच्चा काम नहीं करता। आया सर। ये देख, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर ये बांसुरी नहीं बजेगी तो मेरा तो बाजा बज जाएगा। बैंड बाजे का इंतजाम भी सरकार ने किया है। मार भाई। लाया सर। ये क्या है? ये सरकार की तरफ से इनाम है, 220 रुपए आठ आने रोकड़ा और ये मर्फी का टुकड़ा। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया। मेरा सुंदर सपना। नरसिंह भाई, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मैं भी तुझे ही ढूंढ रहा था। मुझे? तुझसे माफी मांगना चाहता था यार। वो दो टके की लड़की तेरी दौलत के पीछे पड़ी थी, उसके कहने पर खामखा मैं तेरे पीछे पड़ गया। ए, नहीं 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 नरसिंह भाई, वो मेरी दौलत के पीछे पागल नहीं थी, वो तो मैं ही था उसकी सूरत के पीछे दीवाना। अरे क्या हो गया तुझको? तालाब में अभी बहुत सी मछलियां बाकी हैं और तेरे पास आटा भी बहुत है। आटा तो है नरसिंह भाई, लेकिन कांटा नहीं रहा। मेरे साथ साथ सारी सक्सेना इंडस्ट्रीज की भी नसबंदी हो गई। मैं तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, लेकिन मेरा तो कोई इकलौता भी नहीं होगा। नरसिंह भाई, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। क्या? सीमा कहाँ मिलेगी? शुभ मंगल कार्य। ये कौन है? ये मेरे मामा है। मामा? हेलो यंग मैन, शादी में और तो कुछ नहीं ला सका मगर ये लाया हूँ। क्या है ये? ये है 99,999 टुकड़े, जिनमें से एक तुमको दिया था। ये क्या, यानी ये वही टुकड़ा है? ये वही टुकड़ा है, ये वही बाल है, ये वही चश्मा है, ये वही मूंछें, वही दाड़ी, मगर मैं वो नहीं हूँ। अपुन टेम्पो दादा है क्या? यानी 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 मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सीमा, सुना तुमने? मैं बिल्कुल, यानी तुमने मुझे धोखा दिया या मैं ठीक हूँ या? और ये शादी? ये शादी नहीं होगी। नहीं सीमा, ये शादी जरूर होगी। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया, तुम्हें जलील किया सबके सामने, और फिर भी तुमने मुझे अपनाया। सीमा, अनिल सक्सेना इतना बेवकूफ नहीं जो सच्चे प्यार को पहचान ना सके। ये सब तो नरसिंह भैया की मेहरबानी। Somebody, I go my, I go away. Somebody, I go my. Come on, Mino. Okay, give me your hands. Give me your hands. Somebody, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Okay, Mino, that's the way to move. All right, okay, come on in, baby. Fantastic. Done. And all right, Mino, you're doing fine. Okay, okay, now turn out and come on in. क्या यार मीनू, ये जंगली मिला था डांस सीखने के लिए, कॉलेज के हॉल में कर लेते। वहाँ सारी लड़कियाँ टूट पड़ी तुम पर। रवि, हाय रवि। हाय। हाय मीनू। हाय गर्ल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तुम्हें कॉलेज में ढूंढ रहे थे। अच्छा, डांस सिखा रहे हो, हमें भी सिखाना। ओह श्योर श्योर, व्हाई नॉट। आप लोग बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। थैंक यू। आइए ना। अरे आप लोगों को डांस सिखाने के लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। चलिए, ओके गर्ल्स, लेट्स गो। कम ऑन, अब जैसा मैं करूंगा वैसे ही करना। ओके, क्या
क्या हुआ? गुड़ से मक्खी की तरह उनसे चिपक रहे और पूछता क्या हुआ, क्या जरूरत थी उनके कमर में हाथ डाल के नाचने की? हे भाई, मैं किसी का भी हाथ पकड़ू या किसी की भी कमर, तुमको उससे क्या है? जरा डांस सिखाने के लिए हाथ क्या पकड़ लिया, तुम तो हकी जताने लग गए। क्या खरीद लिया क्या मुझको? इस शहर की हर चीज तुम्हारी जागीर है क्या? जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां के एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता है तुम पे जान। याद करोगे वहां एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता है तुम पे जान। जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे वहां, जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे वहां। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमसे कभी ना पूरी तरह इकरार किया। दिल में छुपाए हूं मैं कितनी उमंगे जवान, जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे वहां एक लड़का दुनिया में है सकता है तुम पे जान। जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे वहां।
क्या खबर लाया टेम्पो खान? खबर तो बहुत गर्म है, पन की आजकल कड़की बहुत चल रही है ना, और ऐसी कड़की चलती रहे एक दिन टेम्पो खान सैकल खान हो जाएगा क्या? सीधा खड़ा रहे। सॉरी हाँ। थैंक यू। वन बिस्कुट हाँ। आपकी बेबी है ना? क्या हुआ उसे? अरे कल मोहल्ले में बहुत नाच रही थी, वो रवि नाम के छोकरे के साथ बहुत दोस्ती है, बहुत घूमती रहती है, उसको जरा कंट्रोल में रखो, नहीं तो एक दिन सिग्नल तोड़ के निकल जाएगी और तुम लाल झंडी हिलाते रह जाओगे। शट अप। मे आई कम इन सर? कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? तुम यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आते हो या आवारागर्दी करने के लिए आते हो? मैं कुछ समझा नहीं सर, मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं और सर मेरी अटेंडेंस भी पूरी है। तुम्हारी अटेंडेंस क्लास में कम और लड़कियों के साथ ज्यादा है, शर्म नहीं आती तुम्हें लड़कियों के साथ घूमते फिरते? सर लेकिन मैं तो सिर्फ मीनू के साथ। यू विल हैव टू स्टॉप इट। ये मेरा नहीं बाप जी का हुक्म है। मैं मीनू को छोड़ना पड़ेगा। जय कॉलेज, चॉइस इज योर्स। सर मैंने इतिहास आप ही से पढ़ा है, मैंने आप ही से पढ़ा है कि इस देश में नागरिकों को घूमने फिरने की, अपनी बात कहने की और अपने साथ ज्यादती होने पर इंसाफ मांगने की पूरी आजादी है। और मैंने आप ही से तो सीखा है सर कि जो इस आजादी पर पाबंदी लगाता है वो तानाशाह कहलाता है। शट अप।
मेरा एहसान मानो कि मैंने तुमको तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका दिया। मेरी आजादी आपका एहसान नहीं, मेरा हक है सर। मैं आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, मैंने आजादी की हवा में सांसें ली हैं सर। आप मुझसे मनमानी नहीं कर सकते। नहीं कर, मैं तुम्हें रेस्टिकेट करता हूं अभी इसी वक्त। कैटअप, कैटअप। तुम अपनी मर्जी से बाहर जाती हो या वॉचमैन को बुलाऊं? जाता हूं सर, मगर एक बात याद रखिएगा, आप अपने ही सिखाए हुए सबक से हार गए। क्या बात है बच्चे, एडमिशन चाहिए या फीस फीस माफ करानी है? सुना है मुद्दतों से इस महल का फरमान इस शहर का कानून रहा है। ठीक सुना है। सुना है इस महल की घड़ी शहर की तीसरी आंख है, जिससे कोई भी वारदात, हादसा या नाइंसाफी छुप नहीं सकती। बिल्कुल ठीक। और ये भी सुना है कि आप इंसाफ बहुत अच्छा करते हैं। ठीक सुना है, मैं जब भी करता हूं इंसाफ भी करता हूं। तो फिर एक बात बताइए, अगर दो इंसान मिलकर कोई जुर्म करें मगर सजा सिर्फ एक को ही मिले, तो ये इंसाफ हुआ या ना इंसाफी? ये सरासर ना इंसाफी है। किसने की है ना इंसाफी? आपने बाप जी, आपने। जब मैंने मीनू से दोस्ती करने का जुर्म किया तो आपने मुझे कॉलेज से रस्टिकेट करवा दिया। मीनू ने भी वही जुर्म किया था, उसे कोई सजा क्यों नहीं मिली? सिर्फ इसलिए कि वो आपकी बेटी है? आपके इस इंसाफ ने तो मेरा करियर बर्बाद करके रख दिया बाप जी। कोई हक नहीं है आपको इस गद्दी पर बैठने का, क्योंकि आपने खुद साबित कर दिया कि आपको इंसाफ करना नहीं आता। पर अकेला हूं मैं, पुलिस चौकी छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। आप ऐसा करिए, उन गुंडों को पकड़ कर यहां ले आइए, मैं उन सालों को अंदर कर दूंगा। मैं उन्हें यहां कैसे ला सकती हूं, मैं एक औरत हूं, अकेली हूं। अरे मैडम, आपके मोहल्ले वाले तो होंगे, उनकी मदद ले लीजिए। उनकी आत्मा भी वहीं गिरी है जहां आपकी। भगवान, अब मैं कहां जाऊं? हम मजलूमों के लिए लड़ने वाला कोई भी नहीं है। नरसिम्हा, आप में से किसी ने नरसिम्हा को देखा है? अरे मैं हूं नरसिम्हा, आऊं क्या? सुनिए काका, तुम? अरे काहे बेटी, ये आजकल की डंडियां भी सत्यनारायण की कथा कराने लगी है ना, इसीलिए आना पड़ा।
काका नरसिम्हा को कहीं देखा है? नहीं तो माँ, इसे अस्पताल ले चलते हैं। हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब आप क्यों नहीं खोलता, बात क्यों नहीं करता, कोई हरकत नहीं उसके शरीर में। मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ रवि को? बड़ी बेरहमी से मारा है मेरे रवि को। किसने? उस कसाई बाप जी ने। बाप जी ने? कल रात चार लठैत भेजे थे घर, उन्होंने रवि को घसीट कर बाहर निकाला और नहीं 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 तोड़ दिया मेरे बेटे का हाथ जैसे मिट्टी का कोई खिलौना हो। एक मां का श्राप है उस बाप जी को। आज मैं जैसे अपने बेटे की जान की भीख मांग रही हूं, सबसे उसे भी अपनी बेटी की जान की भीख मांगनी पड़ेगी। ये इच्छा जरूर पूरी होगी माँ जी। मीनू, कितनी तेज चला रही है गाड़ी, जल्दी गाड़ी घुमा, उसको जाके रोको। मीनू, मीनू, मीनू बेटे गाड़ी रोको। नहीं बाबूजी नहीं, हरगिज़ नहीं। मीनू बेटे गाड़ी रोकने का कोई तरीका है? क्यों, एक आदमी को मिलके चार चार लोग मारे, ये कोई तरीका है? मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मीनू बेटे, मीनू मीनू बेटे मेरी बात सुनो। मीनू मीनू, मेरी बात सुनो बेटे। अपनी बेटी की तो बहुत चिंता है ना आपको, ये नहीं सोचा कि रवि भी किसी का बेटा है, उसके भी किसी को चिंता हो सकती है? मीनू बेटे मेरी बात तो सुनो, गाड़ी धीरे करो। मीनू बेटे मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, गाड़ी रोको। नहीं बाबूजी, रवि की माँ का श्राप लग गया है आपको। बेटे मेरी बात सुनो, आप अर्जुनी की तरह अपनी बेटी की भीख मांग रहे हैं। आज आपको पता चलेगा कि अपने औलाद के मरने का गम क्या होता है। मीनू, Thank you.
जी खुश हो गया? क्या हासिल हुआ ये सब करके? क्या साबित करना चाहती हो? कि मैं आप ही की बेटी हूं, ना इंसाफी तो मैं भी नहीं होने दूंगी। गुना मैंने और रवि दोनों ने किया था, सजा मुझे भी मिलनी चाहिए थी ना। इस बार तो आपने मुझे बचा लिया, मगर याद रखिएगा आज के बाद जो रवि पर बीतेगी वही मुझ पर गुजरेगी। में बह रहा होता, चाहता तो भरे बाजार में तेरी बेटी को नंगा नचवाता, चाहता तो तुम तीनों की लाशें सारे शहर की गलियों में कुत्ते नोचते झंझोड़ते घसीटते फिरते और कोई उफ तक नहीं करता। मगर मेरी बेटी ने मेरे हाथ बांध दिए मेरे, इसलिए आना पड़ा, मुझे आना पड़ा यहां इस गलाजत में। रवि को माफ कर दीजिए, मैं उसको समझा दूंगी। तू उसे क्या समझाएगी? तू उसे काट कर फेंक देगी तो भी कोई फायदा नहीं, मैं उसे काट कर फेंक दूंगा तो भी कोई फायदा नहीं। सवाल तेरे बेटे की जिंदगी का नहीं, मेरी बेटी की जिद का है। अगर तेरा बेटा मर गया तो मेरी बेटी भी अपनी जान दे देगी। जब तक रवि इस शहर में रहेगा मीनू उससे मिलने की जिद करती रहेगी। तो हम करीब क्या करें बाप जी? उसे लेकर यह शहर छोड़कर चली जाओ। कहाँ चले जाए बाप जी? जहन्नुम में। कल से इस घर में चिराग नहीं दिखाई देना चाहिए। और खबरदार, तुम लोग कहाँ गए किसी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। तुम लोग इस अंधेरे में ऐसे गुम हो जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। रहम कीजिए बाप जी, रहम, हम पर जुल्म न कीजिए, हमें शहर से बाहर मत निकालिए। ये रहे कुछ रुपए और चंद घंटों की मोहलत, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। याद रहे आज की रात इस शहर में तुम लोगों की आखिरी रात है। बाप जी ने कहा कि शहर छोड़कर चले जाओ, तो तुमने सारी रात जाकर सामान भी बांध लिया? हाँ। एक पल के लिए ये तो सोचो कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे ये घर ये शहर छोड़कर? क्यों, रहने के लिए कि यही शहर बच गया है क्या पूरी दुनिया में? रहने के लिए तो बहुत सारे शहर मिल जाएंगे माँ, लेकिन रोजी रोटी का क्या होगा? कितनी मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर दर दर की ठोकरें खाकर मुझे ये नौकरी मिली है। नौकरियां बहुत मिल जाएंगी, चल तू सामान बांध। और रवि उसका क्या, उसके बारे में तुमने नहीं सोचा माँ? उसे अब तक होश नहीं आया है और पता नहीं कितने दिन अस्पताल में और रहेगा। ये बाबूजी का बसाया हुआ घर है माँ, इसमें बाबूजी की यादें बसी हैं। हम ये माँ, हम ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। सक्सेना साहब,
वो अनिता रस्तोई काम पर आई है, जरा पता कीजिए। आई है बाप जी, वो तो काम पर आई है। पानी लाओ। मैं इस्तीफा दे दूं? मतलब ये कि मैं मान लूं कि मैंने गुनाह किया है? ऐसा हरगिज नहीं होगा सर, मैं अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। फिर तो इसी वक्त मजबूरन मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना होगा, और एक बार चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकाले जाने के बाद तुम्हारी जो बदनामी होगी उससे शहर में तो क्या पूरे देश में तुम्हें नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा, जानती हो? आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे? अगर तुमने इस्तीफा नहीं दिया तो मजबूरन मुझे अपनी कंपनी के आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा, और ऐसा करने से सिर्फ तुम मुझे रोक सकती हो। यहां से ले जाइए अभी इसी वक्त। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब। क्या मामा? रवि को ठीक से अभी तक होश भी नहीं आया, और ये कह रहे हैं इसे यहां से ले जाओ। क्या बात है डॉक्टर? वही जो हम कह रहे हैं, ले जाओ इसे, उठाओ। मगर क्यों, अब तक डॉक्टर पटेल ने जो इलाज बताया वो पूरा नहीं हुआ, इसके जख्म ठीक से नहीं बढ़े हैं, और आप कहते हैं कि ये ठीक है? डॉक्टर तुम हो यहां, ये कोई धर्मशाला की मर्जी आए तब तक पटेल अधिकारियों की तरह? ये आपका पेशा नहीं, आपका गुरूर, आपकी अंधी ताकत बोल रही है। शर्म, शर्म आनी चाहिए आपको किसी घटिया आदमी की बातों में आकर इस तरह अपने मरीज की जिंदगी के साथ खेलते हुए। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, तुम इसे यहाँ से ले जाती हो या नहीं? जब तक डॉक्टर पटेल नहीं आते मैं इसे यहाँ से हर किस नहीं ले जाऊंगी। ठीक है, नामदेव गजानन, उठाओ इसे और फेंक दो इसे हॉस्पिटल के बाहर। हाथ में लगा नहीं, ऐसा मत करो। राशन कार्ड का ट्रांसफर हो रहा है और क्या हो रहा है? ये किसके हुक्म से हो रहा है? मेरे हुक्म से हो रहा है। बिना नोटिस दिए आप ये मकान खाली नहीं करवा सकते। अरे डेस्क से क्या हो, सामान बाहर निकालो। अरे मैं भी देखती कैसे मकान खाली करवाते हो। निकलो बाहर, बाहर निकलो, अंदर कुछ निकलो बाहर, साले गुंडे। लड़की, ए ए नरसिम्हा, नरसिम्हा, ए बुड्ढे काहे को गला फाड़ रहा है? बोला ना शाम तक तेरा घर खाली हो जाएगा, चल फट। मुझे अभी इसी वक्त घर खाली चाहिए। तो ये सब तुम करवा रहे थे? घर बसाने वाला घर उजाड़ सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने किसका घर बसाया? सीमा का। जब सब खड़े तमाशा देख रहे थे तुमने अपनी जान पर खेलकर उस भटका हुआ इंसान आग की भटकी हुई लपटों जैसा होता है मैडम। इनका कोई रुख कोई दिशा नहीं होती। कभी इन लपटों के आंचल में खाना पकता है तो कभी इनकी गर्मी से बस्ती की बस्ती जल जाती है। और आज अगर किसी का घर उजड़ जाएगा तो उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं? अगर आपको लगता है कि मेरा कसूर है तो हम तो सिर्फ पांच हैं। यहाँ पर सारी बस्ती खड़ी है, बुला लो किसी को भी अपनी मदद के लिए, देखता हूँ कौन आता है। अरे ताकत आजमाने के लिए हम ही रह गए थे, एक मजबूर लड़की, एक बुढ़िया, एक अधमरा लड़का। अरे ताकत का इतना ही गुरूर था तो जाकर अखाड़े में आजमाते, खेल के मैदान में दिखाते, बॉक्सिंग रिंग में जाकर आजमाते तो तुम्हारी ताकत इस देश का गौरव बनती, किसी मजबूर परिवार का कहर नहीं। देखो जिसने हमें यह भेजा वो बहुत पावर वाला आदमी है, तुम यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ वरना। वरना क्या, क्या कर लोगे तुम? क्या करेगा तुम्हारा वो बाप जी? यही ना,
कि मुझे मजबूर कर देगा कि मैं इस आदमरे को लेकर सड़क पर आ जाऊं, अपनी बूढ़ी माँ के हाथ में कटोरा थमा दूं। ये हाथ जो मेहनत करना जानते हैं, इन हाथों से लोगों के सामने अपने कपड़े उतार दो, तब जाकर ठंडी होगी तुम लोगों के बदले की आग। अरे तो क्या किया है मेरे भाई ने, किसी का गला तो नहीं काटा, तुम्हारी तरह किसी को घर से बेघर तो नहीं किया, प्यार किया है उसने। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, तुमने तो सिर्फ नफरत देखी है। ओ भाई, ये नरसिंह भाई को इतना सुनने की आदत नहीं है क्या, खोपड़ी फिर जाएगी, तलवार देखा है ना, टुकड़े टुकड़े कर डालेगा वो। हाँ हाँ जानती हूँ, जानती हूँ, इसकी ताकत अंधी हो गई है, और जब ताकत अंधी हो जाती है तब वो ताकत नहीं वहशत बन जाती है, जिनसे उसे कुछ लेना देना नहीं, उनके घर उजाड़ सकती है। जिन्हें पहचानती नहीं, जिनका नाम तक नहीं जानती, उनके बीवी बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, उनकी मां बहनों पर बलात्कार कर सकती है। यही गंदी ताकत इस्तेमाल करके चार चार गुंडे हंसते खेलते परिवार को एक मिनट में इस तरह बर्बाद कर सकते जैसे वो। जाओ, जाओ और अपने ताकत और मालिक से जाकर कह दो कि जीते जी हम इस घर से नहीं जाएंगे, अगर इस घर से जाएंगे तो 3 लाशें जाएंगे, और अगर तुम्हारा मालिक हुक्म देता है ना तो टुकड़े टुकड़े कर देना हमारे अपनी तलवार से, जिसमें तुम्हें बहुत गुरूर है। जाओ, जाओ। शाबाश, आओ 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 मेरे शेर, ये ले तेरा इनाम, ये और ले, ये भी ले, ये सब तेरा है। क्या हुआ, ये काफी नहीं है? मैं उनको घर से बाहर नहीं निकाल सका बापजी। क्या, तो वो लौंडिया और कल का छोकरा तुझसे ज्यादा ताकतवर साबित हुए? नहीं बापजी, मेरा जमीर मुझसे ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। ये क्या बकवास कर रहा है, होश में तो है, आज पी नहीं क्या? सच सच बता, बात क्या है? उनको वहीं रहने दो बापजी, आपके सामने तो वो कीड़े मकौड़े हैं, और कीड़े मकौड़ों पर भी कभी कभी दया कर देनी चाहिए। अरे बेवकूफ, तुझे उनसे हमदर्दी कैसे हो गई? बेघर होने का दर्द आप नहीं समझेंगे बापजी, मैं समझता हूं। जब आसमान थूकता है और जमीन काली देती है तो समझ में नहीं आता कि इस लाश को लेकर कहां जाए, कब्रें भी दरवाजे बंद कर लेती हैं। उन्हें रहने दीजिए बापजी, उन्हें जीने दीजिए। चुप है, मैंने तुझे भेजा था उन्हें शहर से बाहर फेंकने के लिए, और तू दो टके का गुंडा मुझे नसीहत कर रहा है? फरियाद कर रहा हूँ बापजी, वो लड़का जख्मी है, उसकी बहन बेरोजगार, बरसात सर पर है, घर छोड़कर वो कहाँ जाएंगे? जान लूं मैं, मगर इस शहर में नहीं रहेंगे वो। शहर उनका भी तो है बापजी। लेकिन कानून मेरा है, मुद्दतों से इस हवेली का फरमान इस शहर का कानून रहा है। हवेलियों के फरमान अब कानून नहीं होते बापजी, हिंदुस्तान आजाद हो चुका है। मेरा फरमान आज भी शहर का कानून है, और मेरा फरमान है कि तू अभी जा और जाकर उन्हें शहर से बाहर निकाल दे। आज तक मैंने आपका हर हुक्म माना है, बिना ये सोचे समझे कि वो सही है या गलत, अच्छा है या बुरा, पाप है या पुण्य, मगर आज तू सोचने लगा है। हर जूती ये सोचती है कि वो पगड़ी बन सकती है, मगर जूती की किस्मत है कि उसे पैरों तले रौंदा जाए, और पगड़ी का हक है कि उसे सर पर रखा जाए। जब जूतियां बगावत पर उतराती है ना, तो पगड़ियों पर बहुत बेभाव की पड़ती है बाप जी। नमक हराम,
तू मुझसे बगावत करेगा तो फिर आज तेरी चमड़ी उधेड़ कर तेरे खून से मुझे अपना नमक निकालना ही पड़ेगा। हराम खोर, नमक है। बाबूजी, अब मुझे जितना मारना चाहते हैं मारिए, मगर उन्हें छूट दीजिए। परसों पहले ऐसे एक घर तबाह हुआ था और एक नरसिम्हा पैदा हुआ। अगर आप उन्हें बेघर कर देंगे तो एक और नरसिम्हा पैदा होगा। ये तो और भी अच्छा होगा। मुझे तो जरूरत है ऐसे ही नरसिम्हा की जो दो रोटी और एक बोतल शराब के लिए मेरी ड्योढ़ी पर आकर गिड़गिड़ाए। ऐसे आप और कितने नरसिम्हा बनाएंगे बाबूजी? अगर जरूरत पड़ी तो इस शहर के एक एक नौजवान को नरसिम्हा बना दूंगा। मगर उनमें से एक भी नरसिम्हा को उसकी जिंदगी का सही मकसद मिल गया तो आपकी हवेली के ईंट से ईंट बच जाएगी। हराम खोर, तुझे बाप जी की ताकत का अंदाजा नहीं है। मेरे बनाए नरसिम्हा की जिंदगी का मकसद मेरा हुक्म मानने के सिवा कुछ नहीं होगा। मेरे फरमान पर वो इस शहर में शराब और जुए के चलाएंगे, चुनाव में बूथ कब्जा करेंगे, दंगा करके हजारों घरों को तहस नहस कर डालेंगे, औरतों बच्चों तक को बेरहमी से काट डालेंगे। मेरे एक इशारे पर वो अपनी जान दे देंगे या दूसरे की जान लेंगे। जो नरसिम्हा ये सब करने से इनकार करेगा मैं उसे हमेशा के लिए मिटा दूंगा। बस बाप जी, आपके नमक की गुलामी खत्म। आज से जंग शुरू होती है और यह जंग सिर्फ इसलिए नहीं कि एक परिवार इस शहर में रहता है या नहीं, यह जंग फैसला करेगी कि यह शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। यह जंग फैसला करेगी कि इस शहर के नौजवान आप जैसे बाप जी के हाथों की कठपुतली है या इस शहर का मुकद्दर। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए उस परिवार को इस शहर से निकालने की। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस परिवार को इस शहर में रखने की। मुझे इस शहर के हर नौजवान की कसम, मैं मर जाऊंगा लेकिन एक और नरसिम्हा पैदा होने नहीं दूंगा। अरे भैया जरा ये सामान देना। सामान वामान तो हम नहीं बेचते। क्यों? क्योंकि हम तमाशबीन है, तमाशा देखेंगे। लगाओ जरा तुमका, हम भी देखेंगे। शरीफों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? अबे रात को तो शराब के अड्डे पे यार ढूंढती फिरती है, दिन भर शराफत की बात करती है। शराफत मैंने हमें तो लूट लिया मिलकर हंसने वालों ने घर घर गाला। अरे ओ सुलेमान भाई, क्या है ये ट्रक घर के बाहर क्यों खड़ा कर दिया? तो क्या हो गया? मैं अंदर कैसे जाऊंगी? सुलेमान के होते हुए क्या जरूरत है अंदर जाने की? क्या मतलब? मतलब ये है मेरे साथ चल, कोठे में बिठा दूंगा, तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और ये मेरी भी। चलती है क्या सुलेमान भाई? इसने आपको गाली दी? इसने मुझे गाली दी है, तुम्हें नहीं। तुम्हें इसे क्या लेना देना? वो जो कर रहा है
वो उसकी मजबूरी है, मगर तुम जो कर रहे हो वो ना ही तुम्हारी मजबूरी है और ना ही तुम्हारा हक। हमारे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें अपनी हिफाजत के लिए खरीदे हुए गुंडे रखने की आदत नहीं है। सिम्मा तो धोबी का कुत्ता हो गया है बाबजी, ना घर का रहा ना घाट का। वो कैसे? इधर आपकी जोड़ी का भी नहीं रहा और उधर अनीता ने भरी बस्ती में छापड़ मार कर निकाल दिया सो अलग। मगर वो लोग तो अभी तक शहर में ही है ना। आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें बाबजी, मैं अपना सारा काम धंधा छोड़कर उनके पीछे पड़ गया हूँ। आपके हुक्म से उनका राशन पानी तो पहले ही बंद कर दिया था, बस 8-10 दिन में ही देख लीजिएगा अगर जिंदा रहना होगा तो इस शहर छोड़ जाएंगे, वरना फाकों की वजह से ये दुनिया। लो भैया तेल देना। जाओ या तेल लिए फुटे यहाँ से। अरे भैया पैसे दे रहा हूँ। हाँ हाँ मालूम है तेरे पास पैसे बहुत हैं, तेरा बाप पुलिस में था ना इसलिए रिश्वत का माल बहुत छोड़ गया होगा। साले बाप को गली देता है, बाप को गली देता है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा। अभी इतनी रात को कहाँ जा रहा है ये? अरे आजकल इसका खून भी बहुत उबल रहा है बाप, सुनने में इसने बाजार में आज दुकानदारों से कुछ मारपीट भी की है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? देखता हूँ यार, फिर किसी के साथ मारपीट ना कर बैठे। बाबूजी की बहुत याद आ रही है। आज अगर बाबूजी जिंदा होते तो ये सब नहीं होता, ये सब मेरी वजह से हुआ। रवि नहीं, रवि मुझे माफ कर दो दीदी, मेरे पगले इसका जिम्मेदार मैं हूं, मुझे माफ कर दो।
यही झटपट लमलेट वाला चुहा मारने का जहर, चुहा मारने का जहर, दवा अंदर दम बाहर। भैया एक शीशी चूहे मारने की दवा देना, इनकार मत करना। लो माँ जी 2 रुपया, पर बच्चों की पहुंच से दूर रखना, इससे चूहा तो मरता ही है, आदमी भी मर सकता है। हाँ 2 रुपया। चटपट लमलेट, चूहा मारने का जहर। अरे मैं ये खाना कहाँ से लाई? दिया है किसी पहचान वाले ने, तू खा ले। देख रवि बेटे तेरी मनपसंद गोभी भी है, आ। लेकिन ये सब कहाँ से लाई माँ? अरे तुझे खाना खाने से मतलब है कि नाम गिनाने से? माँ लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दूँ? मैंने कोई चोरी की है कि जवाब दूँ? माए तो चोरी करके भी अपनी औलाद का पेट पालती है। लेकिन माँ किसकी हिम्मत हुई बाबजी के हुक्मनामे के साथ टकराने की? आदमी है वो भी। किसका आदमी? अरे वही होगा बाबजी का गुंडा, और कौन? क्या माँ तुम बाबजी के उस कुत्ते से हमारे लिए रोटी मांग कर लाई हो? रवि मैं किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं गई, वो खुद आकर दे गया। और तुम ये भूल गई कि ये वही कमीना है माँ, ये वही कमीना है जो बाबजी के कहने पर हमें हमारे ही घर से बाहर निकालने। हाँ, भूल गई मैं, क्योंकि मैं ये भुला ना सकी कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मैं ये भुला ना सकी कि तुम्हारे बाबूजी की आंखें दिन भर मेरा पीछा करती हैं, मुझसे जवाब मांगती हैं। ये भुला ना सकी मैं। माँ ऐसे करने से तो अच्छा था तुम हमें जहर ही दे देती। तू खाने के बदले जहर मांग रही है, वो जहर के बदले खाना दे गया ताकि आप भूखे ना मरे। भूखे मर जाएंगे माँ, मगर उस कमीने कुत्ते का एहसान नहीं खाएंगे। इसे कहाँ ले जा रहे हो? रुको बेटे, बेटे रुको, रुको। वो बाहर खड़ा है बेटे। ये तो और भी अच्छा हुआ माँ, जरा उसे भी पता लग जाए कि बाबजी के प्यादों के बारे में हमारा क्या ख्याल है। नहीं बेटा रवि रुक जा, नहीं। तू भी अपने भाई को भूखा मारना चाहती है? माँ मैं उसे भूख से मरता हुआ देख सकती हूँ, मगर शर्म और जिल्लत से मरता हुआ नहीं देख सकती। ये सब जिसने दिया है ना, ये मैं उसे वापस लौटाने जा रही हूँ। चादर बिछाओ बलमा सवरिया चादर। देख नरसिंह भाई तुमको कुछ हो गया है, कसम से जब से बाबजी की हवेली से तू वापस आया है ना दारू पीता है, ना बोलता है, ना कुछ बताता है। ए भाई वो लड़की के घर का लफड़ा कुछ बढ़ तो नहीं गया? उन्हें शहर से निकालने के लिए बाबजी ने उनका राशन पानी बंद कर दिया है। अरे तो अपन को क्या, अपना कौन भूखा मर है? आ यार दारू पी। बाबजी शहर के हर नौजवान को अपनी दारू की भट्टी में झोंक देना चाहता है, और तुझे उसी दारू की पड़ी है। अरे तो अपने को क्या है यार, झोंक देवे, अपना कौन है चलने वाला? बाबजी शहर के नौजवानों को दंगे फसाद का हथियार बना देना चाहता है। अरे तो अपन को क्या है, अपना कौन मरने वाला है? अपन को क्या, अपन को क्या, अपन को क्या? अरे अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा शहर के बारे में, इस शहर के नौजवानों के बारे में? कौन सोचेगा उसको जड़ते हुए घर के बारे में? उसे चूहे खाके बिल्ली हज को चली। अरे शहर में पहली बार किसी पे जुल्म हो रहा है क्या? तू खुद उनके सामान फिकवाने के लिए हम लोगों को ले गया था, तब ने सोचा उजड़े हुए परिवार के बारे में। अरे तू दिन भर जुआ खेलता था,
दंगा करता था, हाथ में तलवार लेके मारने भागता था। तुमने सोचा अपने शहर के बारे में? बाप जी की दारू पी के, बाप जी के पैसे खा के, बाप जी के लिए सारे पाप करता था, तब नहीं सोचा शहर के नौजवानों के बारे में? अरे छोड़ यार, असली बात क्या है मैं बताता हूँ। इसकी नीयत फिर गई उस लड़की पे। देख भाई, हम ठहरे फुटपाती लोग, ये घर भर बसाना अपना काम नहीं है, और तू उस लड़की पे इतना दीवाना हो गया है कि बाप जी से पंगा ले रहा है। पागल हो गया? पागल तुम लोग हो गए हो, ये सब उस लड़की के लिए नहीं है। मेरी आंखें खुल गई हैं। हाँ तो बता ना अचानक कौन सी नींद से जागा है तू? हाँ बता ना। हाँ बोल बोल। तुम जानना चाहते हो तो सुनो, इस शहर के किसी कोने में मेरा भी एक घर था, मेरे अपनों का घर, एक भरा पूरा परिवार, मेरी माँ जिसे काम करता देखकर थकान भी थककर सो जाती थी, गहरी से गहरी नींद में भी मेरी खांसी की आवाज सुनकर वो जाग जाती थी। घुटने की चोट हो या कमीज की उधड़ी हुई सिलाई, मां की आंखों से कुछ भी छुपना नामुमकिन था। मेरे पिताजी, जिनके चश्मे का नंबर मेरे लिए सपने देखते देखते बढ़ता रहा, जिनके पसीने की एक एक बूंद दिए की लौ बनकर मेरी किताबों पर रोशनी करती रही, और कभी कभी खुशी के आंसू बनकर मेरे सोते हुए चेहरे पर चुपके से टपक जाती थी। मेरी दीदी जो जितना मुझसे लड़ती थी उससे ज्यादा मेरे लिए लड़ती थी, मेरे लिए पतंगे लूटती थी, और राखी के पैसों में गोलमाल करने पर मेरी गुल्लक में दिन दहाड़े डाका भी डालती थी, और अपनी शादी तय होने पर वो 3 दिन तक मुझसे लिपट कर रोती रही। जीजा जी, जिन्हें मेरी पसंद मुझसे ज्यादा मालूम थी और मुझे उनकी, दहेज का एक पैसा नहीं लिया था उन्होंने, और दीदी की विदाई पर हम सबसे ज्यादा वो रोए थे। मेरी छोटी बहन, जो बहन कम गुड़िया ज्यादा थी, जिससे सारा घर खेलता था, जिसके दुपट्टे में छेद देखने से पहले बस सारी दुनिया को आग लगा सकता था, मुझे वो दिन अभी तक याद है जब दीदी और जीजा जी छोटू का मुंडन करवाने घर आए थे। सब तैयारियां करके मैं शुभ मुहूर्त निकलवाने पंडित जी के घर पहुंचा, उनसे बात कर ही रहा था कि एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। सुनो सुनो भाइयों सुनो, वो बजरंगपुरा और मोमिनपुरा के लोगों के बीच दंगा छिड़ गया है, आग लगी है, कुछ गुंडे बदमाश हमारी तरफ तलवारें सलाखें और लाठियां लेकर इसी तरफ आ रहे हैं, चलो भागो, भागो। मेरी दुकान, अरे मैं लुट गया, अरे मैं चलो, इससे पहले कि दंगा और भड़क जाए हमें ये शहर छोड़ देना है, जल्दी चलो।
भाई साहब सुनिए, मैं इस शहर में दवाई का ऑर्डर लेने आया था, इसी गाड़ी से वापस जाना था। स्टेशन बंद है, अगर आप कोई गेस्ट हाउस या कोई लॉज बता सके जहां मुझे रात गुजारनी है, और कोई पोस्ट ऑफिस। यहां से सीढ़ियां उतरते ही दाएं मुड़ जाना, 6-7 घर छोड़ते ही पोस्ट ऑफिस मिलेगा, और उसी के साथ में गेस्ट हाउस भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसमें मेरा क्या कसूर था, मैं किसका क्या बिगाड़ा था? हमेशा होता है, एक मासूम की जान गई और दंगा करने वाले बचकर निकल गए। क्या कर रहे हो तुम लोग? आज इन लोगों को दिखा के रहेंगे। अरे बाहर निकल दिया, दरवाजा तोड़ो। मगर इन लोगों ने किया क्या है? कुछ बिगाड़ा तुम्हारा या कोई जाति दुश्मनी है इनसे? नसीमा, तुम्हें पता नहीं, इन लोगों ने हमारे दोस्तों पर ईंटें फेंकी हैं। हाँ, और ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते, हम कायर नहीं। अरे ईंट और पत्थर जवाब देने के लिए नहीं होते, घर बनाने के लिए होते हैं। अरे हट, हमें अपने काम करने दे। तो ये काम है तुम्हारा, बेबस मार बच्चों को डराना धमकाना? अरे इसी काम के लिए अपनी माँ का दूध पिया था, इसी काम के लिए हम लोग घंटों व्यायामशाला में कसरत करते थे। अरे इतना जोश है तो अखाड़े में दिखाओ अपनी ताकत, बॉक्सिंग रिंग में दिखाओ, फौज में भर्ती होकर दिखाओ। सिमुआ, अगर इस जगह मोमिनपुरा के लोग होते और तेरे लोग घर के अंदर होते ना, तो वो लोग यही करते वो लोग जो हम करना चाहते। इस वक्त भी अंदर मेरे ही घर के लोग हैं, और जब तक मैं यहां हूं इनका बाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त ना मैं बजरंगपुरा का हूं और ना ही मोमिनपुरा का, बल्कि सिर्फ एक इंसान हूं। और तुम लोग ना मेरे पड़ोसी हो, ना ही मेरे दोस्त, बल्कि सिर्फ हैवान हो। Oh!
वक्त वो तलवार जो मेरे हाथ से जुड़ गई वो आज तक निकल नहीं पाई। जीजा जी दीदी दीदी नहीं बचा सका बेटा, मैं नहीं बचा सका। बहुत मेहनत की मगर वो 10-12 थे। मेरी टांगों पर लाठियां मार मार कर मुझे नाकारा बना दिया और उसकी इज्जत भी। कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? बेटा जब इंसान के अंदर का जानवर जागता है तो अपनी कायर और घिनौनी हरकतों को लोगों की नजरों से छुपाने के लिए भीड़ के रूप में आता है और उस भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता बेटा, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता बेटा। मीरा, मीरा,
मीरा, मीरा। और लाशों के ढेर में मेरे जीने की आरज़ू, जीने का मकसद दब गया, चल गया। मैं एक आवारा पत्थर बन गया तुम लोगों की तरह, रात से दिन, दिन से रात की तरफ लुढ़कता हुआ। लेकिन उस दिन अनीता के उजड़ते हुए परिवार ने और उसके दिल से निकली हुई आहों ने मुझे अपना उजड़ा हुआ परिवार याद दिला दिया। 4 सालों का भूला हुआ मैं घर वापस लौट आया, मुझे फिर से जीने का मकसद मिल गया। नरसिंह भाई, अब मैं माफ कर दो, हमको जीने का मकसद कुछ मालूम नहीं। हम लोग तेरे साथ, तेरे साथ। नरसिंह, मुझे यकीन हो गया है कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो, लेकिन रवि इस बात को कितना समझ पाएगा यह मैं नहीं जानती। रवि, मिलने आई हूं और आप है कि बेरुखी से चले जा रहे हैं। देखो मीनू, आइंदा कभी मेरे घर पे मत आना और मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है, समझी? ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? तुम्हारे जिस्म पे लगी हर एक चोट को 100 गुना करके मैंने अपने जिस्म पे लिया है। तुम्हारा हर दर्द तुम्हारे सीने से गुजरने से पहले मेरे सीने से गुजरता है। रवि, रवि। देखो मीनू, ना ही मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ, ना ही कुछ बोलना चाहता हूँ। रवि, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इस तरह बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए ठोकर मार के चले जाने से तुम्हारा मतलब क्या है? रवि, you owe me an explanation. It's not an apology. I owe you nothing, all right? Now get lost. मीनू, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। जाओ तुम चाहे जहां, जा
मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ, मगर तुम्हारे लिए अपनी माँ और अपनी बहन को बाबूजी के अत्याचार का सामना करने के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन बाबूजी ने जो कुछ भी किया मेरी खुशी के लिए ही तो किया होगा। मैं अपनों की खुशी के लिए दूसरों पर अत्याचार करने वालों से नफरत करता हूँ। फिर तो मुझे भी तुमसे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि तुम भी तो वही कर रहे हो, अपनों की खुशी के लिए दूसरों को दुख दे रहे हो। तुम मुझे उस गुनाह की सजा दे रहे हो जो मैंने किया ही नहीं। चाहे जहां याद करोगे वहां एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता है तुम पे जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे वहां। सपने क्यों तुम हो अजनबी
रही है सपने क्यों इतने हो खामोश क्यों तुम भी तो हो बेजुबान चढ़ने का मौका देकर मैंने गलती की है मेरी रियायत का तूने नाजायज फायदा उठाया है मगर अब वही होगा जो मैं चाहूंगा भूले सगाई से पहले ये लड़की इस कमरे के बाहर कदम नहीं रखेगी और बाहर से सिर्फ उतनी हवा आएगी जितनी सांस लेने के लिए जरूरी है इसके सिवा कुछ नहीं कोई भी नहीं सच कह रहे हो हाँ बाप जी वो नरसिम्हा अनीता टेम्पो खान और जो उनके साथ दो तीन है ना सब एकजुट हो गए हैं बाप जी नरसिम्हा ने तो अनीता का पूरा घर ही संभाल लिया है बोले जी बाप जी कल नीलामी का दिन है जी सब लोग हवेली में जमा होंगे और शहर सुनसान जी अपने लठैतों को भिजवा कर वो हराम खोर नरसिम्हा जहां भी मिले उसे मरवा दो जो हुकुम बाप जी की आज्ञा व आशीर्वाद से नारायणपुर के सरकारी ठेकों की नीलामी शुरू की जाती है ठेका अनाज के 130 सरकारी दुकानों का जिसका दाम कम से कम 5 लाख रुपया मुकर्रर किया गया है आम खास से दरखास्त है कि बड़बड़ कर बोली लगाए देखो नारायणपुर चौक के सामने वाली सरकारी जमीन का जिसका दाम कम से कम 25 लाख रुपया मुकर्रर किया गया है आम खास से दरखास्त है कि बड़बड़ कर बोली लगाए 26 लाख 26 लाख एक 26 लाख दो 27 लाख लो भाजी आ गए हमारे अरे तू कौन है भाई ओ मुंशी जी बाप जी से पूछ लो मैं कौन हूँ अच्छी तरह पहचानते हैं मुझे क्यों बाप जी पहचाना खूब पहचानता हूँ तुझे पिट्ठा भीमा पकड़ लो शराम खोर को जिंदा न जाने पाए यहां से Thank you.
डरो मत बाबजी, नरसिम्हा किसी बेबस और मजबूर पर हाथ नहीं उठाता। आपके हर सवाल का जवाब नरसिम्हा था, अब नरसिम्हा का जवाब कहां से लाओगे? देखो, गौर से देखो इसकी आंखों में। आज तक जिस खौफ से ये बाबजी हुकूमत करता आया है, आज वही खौफ इसकी आंखों में है। देखो, गौर से देखो, यही इस देश के हर बाबजी का असली रूप है। ये एक ऐसा राक्षस है जो इस शहर के हर नौजवान को, आपके भाई को, आपके बेटे को एक ऐसा गलीज गिरा हुआ इंसान बनाना चाहता है जो इसकी ड्योरी पर दो रोटी और एक शराब की बोतल के लिए गिड़गिड़ाए, भीख मांगे। ये यहाँ के कानून और पुलिस को अपनी ड्योरी का कुत्ता बनाना चाहता है जो इसकी उंगली के एक इशारे पर किसी पर भी भौंके या काट ले। ये इस शहर की सरस्वती और शारदा के पुजारियों को अपने दरबार की नचनिया बनाना चाहता है जो इसके इशारे पर नाचे। मेरी आप सबसे एक विनती है, निकाल दीजिए इस बाबजी का डर अपने दिलों से। आज से इसके हर फरमान को ठुकरा दीजिए ताकि इसके दहशत के निजाम को जर्रा जर्रा होते हर वो शख्स देखे जो बाबजी है या बाबजी होने का मंसूबा रखता है। क्या आप अपने बच्चों को एक ऐसा शहर विरासत में देना चाहते हैं जो गुंडे, बदमाश और खूनी चला रहे हो? बाबजी, कल तक यही जनता आपके सामने से झुककर उल्टे कदम लौटती थी, आज इसी जनता ने आपकी तरफ पीठ कर दी। बीड़ी से बीड़ी जल चुकी है बाबजी, आग से आग लग चुकी है। ये सब क्या है? लीजिए इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने कबूल कर लिया है कि उस रात बाबजी के कहने पर ही इन लोगों ने मेरे भाई को जान से मार डालने की कोशिश की थी, और इसीलिए अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में बाबजी के नाम अभी के अभी वारंट जारी कीजिए इसी वक्त। कानून है मजाक है? हो सकता है तुमने इन पर जबरदस्ती करके इनसे जुर्म कबूल करवा दिया हो। जानती हो जबरदस्ती करने पर दफा 506 के तहत 3 साल की सजा हो सकती है। तो फिर बाबजी के खिलाफ 506 का एक और केस तैयार कीजिए इंस्पेक्टर। क्यों? क्योंकि सरकारी अस्पताल का डॉक्टर, कॉलेज का प्रिंसिपल और सक्सेना ने भी कबूल कर लिया है कि बाबजी ने उनसे भी जबरदस्ती गैर कानूनी काम करवाया है। हाँ ठीक है ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, हम तहकीकात करवा लेंगे। तहकीकात का वक्त खत्म हो गया है। देखा, अगर अभी तूने बाबजी को गिरफ्तार करने का वारंट नहीं निकाला तो ये सारे लोग अगर एक एक ईंट भी उठाकर ले गए तो ना तुम्हारे पुलिस स्टेशन का पता चलेगा ना तेरा। सूरज कुमार। यस सर। आओ आओ, देखा बुरे, इसे कहते हैं वफादारी। क्यों इंस्पेक्टर सूरज कुमार, बोलो क्या खबर है? मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। गोयल, तेरा
मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये किस पिते को मेरी गिरफ्तारी का वारंट देकर भेजा है? इस शहर में रहना तुझे कि नहीं? बाप की हवा बदल गई है, पूरा शहर आपके खिलाफ हो गया है। आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना आपकी हवेली की तरफ जो हजारों की खूंखार भीड़ बढ़ रही है वो आपको फाड़ कर रख देगी बाप जी। हाँ। हेलो, क्यों जज घर पर बैठा बैठा क्या कर रहा है? क्या मेरी गिरफ्तारी का वारंट आया है? मुझे इसी वक्त एंटीसिपेटरी बेल चाहिए। अरे बाप जी, आज तो सरकारी छुट्टी है, कल देखा जाएगा। आज तो आप जेल की हवा खा ही लो। Oh, even.
शराम खोर, मैंने तुझे इतना ज्ञान दिया, तू भी। आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया बाबजी, पर आज का ये तमाशा देखकर एक ज्ञान की बात मैं खुद सीख गया हूँ। जो जनता को पैर की जूती समझता है वो एक दिन जरूर जनता के जूते खाता है, है कि नहीं? वाह क्या बात है, लिख लीजिए। बस बहुत हो गया बीनू, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, चलो मेरे साथ इस नरक से बाहर। कहा दूसरे नरक में? क्या दूसरा नरक? और नहीं तो, तुमने तो मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए रब, अब जो भी दरवाजा खुलता है सिर्फ किसी नरक की तरफ ही खुलता है। मेरे वादे तो सिर्फ स्वर्ग के थे मीनू, ये क्या कह रही हो तुम? क्या किया मैंने? क्या किया है? तुम लोग बाबूजी को शहर भर के रास्तों से हथकड़ी पहनाकर थाने ले गए, उन पर खूनी चोर लुटेरा न जाने क्या क्या इल्जाम लगाए पूरे शहर भर के सामने। मीनू हमने वही कहा जो सच है, मगर मैं कैसे मान लूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? विश्वास नहीं है मुझ पर? जी तो चाहता है कि तुम पर यकीन करो, पर तुम पर यकीन करके अगर तुम्हारे साथ चली गई तो कल को सारी दुनिया कहेगी कि मैंने भी अपने बाबूजी पे लगाए हुए इल्जाम कबूल कर लिए हैं। रवि, जो इल्जाम किसी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं वो इल्जाम सिर्फ सबूत के साथ ही लगाने चाहिए, और मेरे पास कोई सबूत नहीं अपने बाबूजी को तबाह करने का। रवि, तुमने और बाबूजी ने अपनी अपनी दुश्मनी की प्यास बुझाने के लिए मेरी जिंदगी को जलाकर राख कर डालो। मेरा यकीन मानो मीनू, ये सब सच है। ये सच नहीं है, और अगर सच है ना तो फिर जाओ, जाओ ले आओ सबूत मेरे बाबूजी पे लगाए हुए हर एक इल्जाम का। रवि, कल बाबूजी जमानत पर रिहा हो रहे हैं और परसों मेरी मंगनी है, अगर उसके पहले तुम सबूत लेकर आ गए तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ सारी दुनिया के सामने मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। लेकिन लेकिन ये सच नहीं है रवि, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है रवि। लेकिन नरसिंह भाई, हम लोग और सबूत कहां से लाए? हाँ, और बाबूजी के कांटे का कोई इलाज नहीं, और मार डालेगा तो वो सबूत नहीं। सबूत होगा भी तो एक रात में कहां से लाएंगे, सुबह मीनू की सगाई है। उधर तो शहनाई भी बजनी चालू हो गई। बस करो यार, बात खत्म। जब कोई सबूत नहीं है तो नहीं है। सबूत तो है। कौन सा सबूत? बाबूजी, बाबूजी के हर जुर्म का सबूत। खुद बाबूजी तो है ही ना। तो फिर सबूत भी हवेली में है, हर सबूत मांगने वाला भी। बस सोचना ही है कि उन दोनों को मिलाए कैसे जाए। बहुत इजी है यार, मगर करने का कैसा? इसके लिए मुझे हवेली जाना होगा। और हम लोग? हम लोग देखो, मैं रात को लौटूं या ना लौटूं, मगर कल सुबह तुम लोग सब के सब बारात लेकर हवेली जरूर पहुंचना। बारात? हाँ, अपने रवि की।
सबूत मैं लाऊंगा, बारा तुम लोग लाना, मैं चलता हूं। सुनो, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। कुछ रास्तों पर सिर्फ अकेले ही जाया जा सकता है, सिर्फ अकेले। हाँ शिंदे। हुकुम बाप जी। वक्त आ गया है, कल मेरी बेटी की सगाई है, सारा शहर मेरे खिलाफ हो चुका है। अरे बाप जी, ये जेलर शिंदे आपके साथ था, आपके साथ है और बाप जी आपके साथ ही रहेगा। शाबाश, बहुत अच्छे। बाप जी क्या है? नरसिम्हा पकड़ा गया। कहां था ये नमक हराम? बाप जी, हवेली में घुसने की कोशिश कर रहा था। कल तक तू मेरे पैरों के पास बैठता था लेकिन जिंदा, मगर आज मुझसे बगावत करने का अंजाम देखा, मेरे सामने बंदा खड़ा है अपनी मौत के इंतजार में। क्या फर्क पड़ता है बाप जी के मैं जी हूं या मरूं? आग तो भड़क चुकी है, अब ज्यादा देर तक आपकी यह हवेली टिकी नहीं रहेगी। मेरी हवेली यूं ही तनकर खड़ी रही है और यूं ही तनकर खड़ी रहेगी। आपका खौफ मेरी ताकत के बिना एक झूठा हुआ है बाप जी, उससे आप हुकूमत नहीं कर सकते। हाँ, कौवे जरूर भगा सकते हो। मस्जिद में बैठ के हर कौवे को यह मुगालता हो जाता है कि वही मौलवी है। मेरी मीनार पर बैठकर तुझे भी यह मुगालता हो गया है कि यहाँ जो कुछ होता है वो तू करता है। मगर जब भी आप पर मुसीबत आती थी, आप पूरे शहर को दौड़ा देते थे मुझे ढूंढने। नरसिम्हा को लाओ, नरसिम्हा को लाओ। तू समझता क्या है अपने आप को? तेरे जैसे कई मसल दिए मैंने। क्या करता है? मेरे खिलाफ बगावत करने वाले घासीराम पाटिल का अशर पता है क्या हुआ था? साले को मैंने जिंदा चुनवा दिया था। मगर पकड़ कर तो मैं ही लाया था। उस कैदी को तो तू नहीं लाया था ना, जिसे पूरे शहर के लोगों के सामने नीलामी में मैंने मरवा दिया था। मगर मैंने भी तो नीलामी में सबके सामने आपका चश्मा उतार दिया था, तब तो आपने कुछ नहीं किया। क्यों, डर गए थे ना? अबे तू तो उसी वक्त खत्म हो जाता, मेरे 25 लठैर तुझे शहर भर में ढूंढ रहे थे। मुझे मार भी दोगे तो क्या होगा, मेरे बात रवि तो है। मेरे सीने की आग उसके सीने में जलेगी। अरे उसके बाप को नहीं छोड़ा, तू क्या समझता उसे छोड़ दूंगा? इंस्पेक्टर रस्तोगी। इंस्पेक्टर रस्तोगी आया था साला मुझे गिरफ्तार करने, यहाँ ही लिटा दिया था साले को गुप्ती से। इंस्पेक्टर रस्तोगी का खून भी आप ही ने किया? मैंने किया था। धीरे बोलिए बाप जी, धीरे, कहीं मीनू ने सुन लिया तो क्या कहेगी? क्या कहेगी, क्या कहेगी मीनू? वाह वाह बाप जी वाह, आज आपकी इकलौती औलाद अपने पिता के गुणगान, उन्हें के अपने मुंह से सुनकर बाप जी, बाप जी वो धन्य हो गए बाप जी। कल्ला। हुकुम बाप जी। इसे कमरे में ले जाओ। देखा बाप जी, आपको किसी ने ना आगे से मारा, ना पीछे से, ना आदमी ने, ना जानवर ने, ना किसी अस्त्र ने, ना शस्त्र ने, आपको तो आपकी
मैंने मारा। तूने मेरे घर में आग लगाई है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे मार सकते हैं बाबजी, पूरे शहर को नहीं मार सकते। बाबजी मार सकता है, और किसी को सुनवाना है तो उसको भी सुनवा दे। सारे शहर में दंगा फसाद करवा दूंगा, फिर से बजरंगपुरा और मोमनपुरा के लोगों को आपस में लड़वा दूंगा। वो दंगा आपने करवाया था? हाँ मैंने करवाया था, अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए। हत्यारे खूनी, मैं तुझे मार दूंगा, मार दूंगा तुझे, हत्यारे मार दूंगा, मार दूंगा तुझे, मार दूंगा, मार दूंगा। बाप जी को मारेगा? ले जाओ इसे और तहखाने में चुनवा दो। बाबूजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपने मेरे सारे अरमानों का तो पहले से गला घोट दिया है। रवि के बिना जैसे मैं कोई जिंदा लाश हूँ बाबूजी। लाश पर तो जुल्म मत कीजिए बाबूजी। अगर आज तेरी लाश के साथ भी सगाई करानी पड़ी तो वो भी करवाऊंगा। मीनू, तुम्हारा मंगेतर और ठाकुर साहब के सब मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। नहीं बाबूजी, बाबूजी मैं आपके पांव पड़ती हूँ बाबूजी, मैं नहीं जाऊंगी बाबूजी। चुपचाप तू क्यों खड़ी है? ये फैसले की घड़ी है। चुपचाप तू क्यों खड़ी है? ये फैसले की घड़ी है। आ दुनिया वालों से कह दे, चाहे माने ना माने, आ दुनिया वालों से कह दे, वो चाहे माने ना माने, लेकिन मोहब्बत बड़ी है, ये फैसले की घड़ी है। चुपचाप तू क्यों खड़ी है? मैं बुलाता हूँ तुझको, आ तेरी मंजिल यहाँ है। आ मैं बुलाता हूँ तुझको, आ तेरी मंजिल यहाँ है। आ दिल की बाजी लगी है, आ दिल की बाजी लगी है, आ प्यार का इम्तिहान है। लेकिन मोहब्बत बड़ी है, ये फैसले की घड़ी है। चुपचाप तू क्यों खड़ी है?
कहा है वो तुम्हारा नेता, तुम्हारा रहबर, तुम्हारा हौसला, वो नरसिम्हा, बुलाओ उसे इनकी जाने बचाने। कहा वो? मैं बुलाऊं? वो जहां है वहां से तू तो क्या, अगर मैं भी चाहूं तो नहीं बुला सकता। मैंने तुम्हारे नरसिम्हा को खत्म कर दिया है।
दीवार के पीछे छुपा दिया गया है। Thank you.
चुपचाप तू क्यों खड़ी है, ये फैसले की घड़ी है। चुपचाप तू क्यों खड़ी है, ये फैसले की घड़ी है। आ दुनिया वालों से कह दे, चाहे माने ना माने, सच है जाओ तुम चाहे जाओ।